सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और आज मैं लेके आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छा गेम, और काफ़ी इजी है ये गेम बनाना। तो एक बार मैं आपको गेम खेल के दिखाता हूँ और उसके बाद हम सीखेंगे कि इस गेम को बनाते कैसे। ओके, तो एक बार गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गेम वर्क कैसे करता है। ओके, तो फ्लैग ट्रिप। तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम किसी बैलून को अगर अपनी कैट के साथ टच करवाते हैं तो हमें 5 पॉइंट ऐड हो जाते हैं, और अगर आप गलती से बलून की जगह बिल्डिंग पे टच होंगे तो क्या होगा। लेट्स ट्राई। ओके, गेम ओवर। तो हमें पता चल गया कि गेम वर्क कैसे करेगा। इस गेम में हमें क्या करना है, हमारी जो कैट है उसको बलून से टच करवाना है तो हमें स्कोर मिलेंगे 5, एक बलून का 5। और जैसे हम अपनी बिल्डिंग पे टच कराते हैं तो अपना गेम हो जाएगा ओवर। तो ओके, तो गेम को सबसे पहले सीखते हैं कि हम पहले यहाँ पे देखते हैं एक बार कोडिंग। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार जूम करके आपको अगर दिखाऊं, ये मेरा स्कोरिंग का है। ओके, और ये कोड जो है ये है इसके इसका स्टार्टिंग का कोड। तो इसमें क्या है, वैन फ्लैग क्लिक, ये वो तो जो भी चीज़ें हैं एक बार इसको करके देखते हैं। ओके, और देखते हैं कि ये बनना कैसे है। तो जाएंगे फाइल्स, न्यू फाइल। ओके, तो हमारे पास आ गई है ब्लैंक स्क्रीन। हमें चाहिए कैट फ्लाइंग, यानी कि अब हम पहले सबसे पहले मैं लेता हूँ एक स्प्राइट। मेरी पहली स्प्राइट होगी कैट फ्लाइंग। एक बैकड्रॉप ले लेता हूँ, ब्लू स्काई। ओ, लुकिंग गुड। ओके, एक स्प्राइट बना भी लेते हैं। बैकड्रॉप 1, इसको हम करते हैं, ये स्प्राइट मेरी होनी चाहिए गेम ओवर स्प्राइट होगी। तो इसको मैं पहले फिल कर देता हूँ कलर, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको पूरा रेड कर देते हैं। ओके, तो स्क्रीन सही लग रही है। टेक्स्ट कन्वर्ट टू वेक्टर एंड राइट गेम ओवर। तो गेम ओवर अभी हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसको मैं कर देता हूँ पूरा ब्लैक ताकि ये हमें इजीली दिखाई दे। साइज कर देते हैं इसका बड़ा। ओके, तो ये जो बैकड्रॉप है ये है मेरी गेम ओवर बैकड्रॉप। ओके, तो अब गेम ओवर बैकड्रॉप हमारी बन चुकी है। ओके, अब मेरे को जो जो चीज़ें लेनी है, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार सारी चीज़ें ले लें, यानी कि जितनी भी स्प्राइट्स हैं मेरी मैं उनको ले लेता हूँ। अब इसमें मैं लेता हूँ एक बिल्डिंग और एक बलून। ओके, तो अभी मैं आता हूँ कौन सी स्प्राइट पे, कौन से बैकड्रॉप पे आऊँ, ब्लू स्काई बैकड्रॉप पे। ओके ठीक, तो बलून को रिसाइज करते हैं। इसको मैं लाता हूँ 50, चेक करते हैं कितना था। ओके 50, ग्रेट। और इस बिल्डिंग का साइज ओके है। कैट का साइज शायद मुझे बढ़ाने का या कम करने की जरूरत है, वैसे 80 करके चेक करते हैं। गुड, इट लुक्स ग्रेट। फ्लाइंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कैट पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। वैन फ्लैग क्लिक्ड, जूम। ओके, मुझे लग रहा है कि आप शायद देख पाएंगे इसको। वैन फ्लैग क्लिक्ड फॉर एवर, वही कि हमें अप डाउन कैसे करवाना है इसको। ओके, तो इफ कि अप एरो प्रेस्ड चेंज वाई बाय माइनस 5, सॉरी चेंज वाई बाय 5, क्योंकि हमें अप की ओर जाना है। ओके, इसको यहीं से डुप्लीकेट लेना है ताकि गेम थोड़ा सा इजी बने और जल्दी बन जाए। ओके, वीडियो की टाइमिंग जितनी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ओके, तो इफ की डाउन एरो प्रेस्ड चेंज बाय बाय माइनस 5, एंड अब मुझे क्या करना है, इसमें दो कॉस्ट्यूम्स हैं कैट फ्लाइंग में, तो मैं चाहता हूँ कि जब ये अप एरो में ऊपर को जाए तो इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो। तो इसका कर देते हैं स्विच कॉस्ट्यूम टू बी। ओके, बी कॉस्ट्यूम कौन सा है, ये देखिए एकदम फ्लाइंग वाला काफी, ताकि तुम्हें लगे, ताकि आप सबको लगे कि हाँ हमने जो काम किया है वो दिख रहा है। और इसको कर देते हैं वापस ए में, वर्क करके चेक करें। ओके,
ऊपर करूंगा तो फ्लाइंग नीचे डाउन। वाओ लुकिंग ग्रेट। ओके तो गेम का एक पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके और अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं बिल्डिंग की ओर। तो बिल्डिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग जो है इधर को यानी कि एक्स की एक्स में माइनस की ओर मूव करे और कंटिन्यू करते रहे, अलग अलग तरीके की कॉस्ट्यूम्स लेके करे। तो इसके लिए काफ़ी इजी कोडिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ब्लैक लिंट थोड़ा सा जूम करके ओके मुझे लग रहा है कि आप देख पा रहे हैं इसको फॉरएवर। ओके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम यानी कि इसका कॉस्ट्यूम इसमें चेंज होते रहेगा। इसका हम एक्स को सेट कर देते हैं। ओके सेट एक्स टू 250। यस मुझे लग रहा है कि ये बेहतरीन होगा। और इसको कर देते हैं यहाँ पर से लेके रिपीट 100। ओके तो रिपीट 100 में क्या करना है, चेंज एक्स बाई माइनस फाइव, चेंज एक्स बाई माइनस फाइव। मैंने आपको बताया था कि इसको एक्स में एक्स एक्सिस पे माइनस की ओर को मूव करना है। तो ये एक बार वर्किंग चेक करते हैं। ओके ग्रेट और यस कॉस्ट्यूम भी चेंज कर रहा है, यानी कि अभी तक जो हमारा गेम है वो एकदम परफेक्ट बना है। ओके तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर स्काई है और बिना क्लाउड का स्काई है तो मुझे नहीं लगता काफ़ी मज़ा आएगा गेम खेलने। तो थोड़ा सा गेम को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, देते हैं क्लाउड। ओके क्लाउड लिया, अब क्लाउड के लिए क्या कोड चाहिए। ओके देखिए इसमें हम जितने भी स्प्राइट ले रहे हैं सबका कोड एकदम बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी से ये गेम को बना सकते हैं। वैन फ्लैग क्लिक्ड फॉरएवर, मैं जूम कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको कोड एकदम बढ़िया तरीके से दिख सके। वैन फ्लैग क्लिक्ड ओके तो फॉरएवर से पहले मुझे क्या करना है, इसको एक पोजिशन देना है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें गो टू एक्स को मैं रखता हूँ 147 और वाई को मैं रखूँगा 149 पे। ओके ये हमारी एक्सिस है कि हमें अपना जो क्लाउड है वो कहाँ पर चाहिए। इसके बाद मैंने लगाया फॉरएवर, फॉरएवर में हमें क्या चाहिए, चेंज एक्स बाय माइनस फाइव। ओके माइनस फाइव एंड इफ एक्स पोजिशन आई थिंक यहाँ मिलेगी मुझे, यस आई गॉट इट। तो इसको लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर यानी कि मुझे क्या करना है, लेस देन वाले ऑपरेटर का यूज करना है। एक्स पोजिशन इज लेस देन माइनस 240। ओके अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ क्योंकि मैंने ये क्यों ले रखा है। ओके तो इसको मैं कर देता हूँ 240 वाई, हमने पहले कितना ले रखा था एक बार चेक कर दें, 149। ओके 149 तो ये जो ले रखा है मैंने कि इफ एक्स पोजिशन इज लेस देन माइनस 240 देन गो टू एक्स 240 और वाई 149, यानी कि ये क्लाउड जब इधर की ओर ग्लाइड करेगा यानी कि एक्स की माइनस की ओर एक्स एक्सिस पे माइनस की ओर को ग्लाइड करेगा यानी कि लेफ्ट साइड को ग्लाइड करेगा, तो जैसे ही ये इस एज पे टच होगा यानी कि जैसे इसकी एक्स पोजिशन माइनस 240 से एक्स पोजिशन अगर माइनस 240 से छोटी होगी तो क्या होगा, ये वापस यहाँ आएगा फिर से ग्लाइड करेगा फिर आएगा। ओके तो ये फॉरएवर तभी लगा रखा है। और चेंज एक्स बाय माइनस फाइव का मतलब है कि किस स्पीड से आएगा, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे आप इसको चाहते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से और ये वापस आ गया, इसका मतलब जो भी हमने कोड किया एकदम परफेक्ट है। अब हम करेंगे बलून, बलून अपना जो है एक मेन चीज़ है। ओके बलून जो स्प्राइट है ये बहुत मेन है, इसको BALOON बलून। ओके तो बलून के लिए कोड करते हैं, बलून में क्या वैन फ्लैग क्लिक्ड ओके थोड़ा सा जूमर ओके वैन फ्लैग क्लिक्ड फॉरएवर चाहिए, कॉस्ट्यूम चेंज करेगा। ओके बलून भी कॉस्ट्यूम चेंज करेगा तभी तो मजा आएगा ना खेलने में, या बार बार अगर एक ही चीज अगर ये लेके आ गया एक ही कलर लेके आ गया तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को खेलने में मज़ा आएगा और आप लोगों के दोस्तों को भी खेलने में शायद मज़ा ना आए। ओके तो इतना कर दिया, चेक करते हैं, यस कलर चेंज कर रहा है बार बार, एवरी टाइम जब भी हम फ्लैग को क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, कलर चेंज करेगा और 2 सेकेंड का वेट करेगा। ओके 2 सेकेंड वेट करके फिर से अपना कलर चेंज करेगा। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं, अगेन इसमें वैन फ्लैग क्लिक लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, अब इसमें कुछ शर्तें रखते हैं इसके लिए कि जब भी हम फ्लैग को क्लिक करें जब भी हमारा गेम स्टार्ट हो ये हाइड हो, वेट करें 2 सेकेंड के लिए
क्योंकि अगर गेम स्टार्ट होते ही ये दिख जाएगा, गेम स्टार्ट होते ही आप इसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो इसके बाद क्या करना है, वेट करेगा 2 सेकेंड और उसके बाद अगेन इसको कर देते हैं शो कि आप दिखो और हम आपको कलेक्ट करके अपना कॉइन्स इकट्ठा करें। क्यों दोस्तों, कैसा लगा? तो इसके बाद फॉरएवर, अब ये क्या करेगा, ये भी ग्लाइड करेगा। तो हमें क्या करना है, चेंज एक्स बाय -5। हमें किसी भी चीज को अगर ग्लाइड कराना है तो हमें यही चीज यूज करनी पड़ेगी और फिर से वही इफ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। एक्स पोजिशन इज लेस देन -240 देन गो टू ओके गो टू। अब इसको एक पोजिशन देते हैं कि कहाँ जाएगा ताकि बार बार, अभी तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि तू कि ये जो बलून है ये एक ही पोजीशन से आए, ठीक है। आप चाहें तो इसको अलग अलग पोजीशन से भी लेके आ सकते हैं, रैंडम लेके अगर आप इसको आएंगे तो और भी अच्छा गेम बन सकता है। आपके लिए बनाने के लिए बहुत कुछ है, ओके। तो आप इसको खुद से बनाइए, ओके। अब क्या करते हैं, अब गेम को करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। बिना स्कोर के गेम खेलने का मजा नहीं है दोस्त। तो वैन फ्लैग क्लिक्ड, ओके, वैन फ्लैग क्लिक्ड। फॉरएवर क्या चाहिए, फॉरएवर इफ टचिंग कैट, यानी कि इफ लगाना पड़ेगा, ओके। इफ कमांड लगाएंगे सेंसिंग के अंदर जाके, टचिंग कैट, कैट फ्लाइंग, देन अब क्या हो, अगर ये इसको टच करे तो पहले तो इसको गो टू, ताकि ये टच करती है वापस खत्म ना हो जाए, यानी कि एक बार टच कर दिया तो बेकार, नहीं इसको वापस जाना है अपनी उसी पोजीशन पे जा सी आया था, ताकि रेंडमली ये चलता रहे, ऐसे बार बार चलता रहे। स्कोर बनाना पड़ेगा दोस्तों, बिना स्कोर के गेम खेलने का मजा कैसे आएगा। स्कोर तभी तो आप अपने दोस्तों से ज़्यादा स्कोर करेंगे ना। तो चेंज स्कोर करते हैं बाय, एक एक करके स्कोर बढ़ेगा तो मज़ा आएगा नहीं मुझे लग रहा है, तो चेंज स्कोर बाय 5 कर देते हैं। और यहाँ पर एक साउंड भी चाहिए मुझे, क्योंकि बिना साउंड के गेम खेलने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन साउंड भी तो उसी के लायक होना चाहिए ना दोस्तों, गेम खेलने के लायक। तो इसमें साउंड लेते हैं, कॉइन करके एक साउंड है, यस ग्रेट, स्टार्ट साउंड कॉइन, ओके। अब मैंने अगर यहाँ पर चेंज स्कोर बाय 5 किया है तो हो सकता है कि मेरा गेम जब भी स्टार्ट हो इसी इसको ये चेंज स्कोर उसी में दिखाए जितना पहले गेम में था। तो हमें क्या करना है, व्हेन एवर आवर फ्लैग क्लिक सेट माय स्कोर टू 0, ओके ओके इट्स ग्रेट। एक बार इसको खेल के देखते हैं, वाओ देखिए स्कोर चेंज हो रहा 5, अपना बलून कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा है, अपना बिल्डिंग्स चेंज कर रही है। अब अभी क्या है कि अगर मैं बिल्डिंग को टच भी करूँ ना तो मुझे कोई नुकसान नहीं है दोस्त, ये देखो कोई नुकसान है, बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसमें एक बहुत फनी चीज़ आपको देता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हमने गेम स्टार्ट किया था, गेम को बनाना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक बैकड्रॉप बना के दिखाया था, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक कैट को हम एक और कमांड देते हैं कि व्हेन फ्लैग क्लिक्ड फॉरएवर, ओके। इसमें मैं चाहता हूं कि जैसे ही जो सॉरी फॉरएवर इफ टचिंग बिल्डिंग्स, मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये बिल्डिंग को टच करे तो सबसे पहले तो स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप 1 और इसके बाद यहां पे कर देते हैं स्टॉप ऑल, ओके। और मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे हाइड करना पड़ेगा वरना ये दिखेगा, और यहाँ इसको शो कर देते हैं, चेक करें बिल्डिंग पे टकराएगा, गेम ओवर होगा। अब क्या हो रहा है, गेम ओवर, ठीक है। हमें बैलून बलून भी दिख रहा है अपना और अपनी बिल्डिंग भी दिख रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ही चीज़ें जब भी मेरा गेम ओवर हो तो मुझे ना दिखे। इसके लिए मुझे क्या करना है, अब मैंने इतना तो कर दिया, मैं चाहता हूँ कि उनमें भी ये काम हो, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज 1, इसका नाम मैसेज 1, ओके मैसेज 1 ही रखता हूँ। बिल्डिंग पे जाएंगे, व्हेन आई रिसीव मैसेज 1
थोड़ा नीचे आ जा भाई. When I receive message one, hide. यानी कि जैसे ही मुझे मैसेज मिलेगा तो मैं छुप जाऊंगा. सेम कोड को मैं बलून को भी दे देता हूँ. मिला, हमने आपको कोड भेजा था, क्या आपको मिला? नहीं मिला, अब मिलेगा. ओके, कहाँ पे आया? ये आया. इसको लेके चलते हैं नीचे, क्योंकि जूम करने की वजह से स्पेस थोड़ा कम है. ओके, एक चीज कर सकते हैं. यस, स्पेस काफी बढ़ गया अभी, है ना? तो ये हो गया. When I receive message one, hide. यानी कि जैसे मुझे भी मैसेज मिलेगा, मैसेज वन क्या है? गेम ओवर का मैसेज है. ओके, तो मैं जैसे मुझे मैसेज मिलेगा गेम क्या, मेरा मैं क्या हो जाऊंगा? छुप जाऊंगा, मैं आपको दिखूंगा ही नहीं. ओके, और फिर यहाँ पर को हमें एक बार इसको फिर से शो करना पड़ेगा, तो उसको मैं शो करता हूँ हियर. ओके, अब ये हमें गेम स्टार्ट होने पर दिखेगा और गेम ओवर होके छुप जाएगा. ये किस चीज़ की है? बलून. सेम कोड में दे देता हूँ किसको? अपना क्लाउड. आखिर क्लाउड भी तो अपना ही है ना. ओके, ऐसे मैं ट्रांसफर शेयर नहीं कर पा रहा. कुछ नहीं करना है, इवेंट पे जाना है. मैंने रिसीव मैसेज वन, सॉरी, आजा भाई. मैंने रिसीव मैसेज वन, लुक्स में जाइए, हाइड कर दीजिए, मैन फ्लैग क्लिक्ड, शो कर दीजिए. बड़ी स्क्रीन पे आते हैं, गेम खेल के देखते हैं. ओके, तो ये बैकड्रॉप तो मैंने चेंज किया कि जब भी मेरा गेम, ये देखिए, स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप वन. ओके, अब मुझे क्या करना है कि बैकड्रॉप को वापस भी तो लाना है ना, अपना फर्स्ट वाला बैकड्रॉप. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच बैकड्रॉप टू ब्लू स्काई. ओके, अब चेक करके देखते हैं एक बार. ग्रेट, अब हमारी बाकी चीजें तो मुझे अभी भी दिख नहीं रही है. यानी कि मुझे क्या नहीं दिखा, अपने बिल्डिंग नहीं दिखी. बिल्डिंग को मैंने शो नहीं किया था. ओके, आप भी दिखो, बिल्डिंग को शो नहीं किया था. ओके, तो बिल्डिंग भी दिखेगी अब. अब हमें सब कुछ दिखेगा और गेम हमने जिस तरह से बनाया था ना, एकदम परफेक्ट उसी तरह से दिखेगा. देखिए, काफी बेहतरीन, बहुत बेहतर स्कोर करते हुए, ग्रेट, अप डाउन करके आप बिल्डिंग को क्रॉस करते जाइए, अपना स्कोर बढ़ाते जाइए और गेम का मजा लीजिए. जैसे आप टच करेंगे, गेम ओवर. ओके, अब एक फाइनली एक और अच्छी चीज मैं आपके लिए कर देता हूँ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ कुछ तो किया मैंने. हाँ, ग्रेट ना. तो मुझे क्या करना है, एक साउंड मैं चाहता हूँ कि बार बार मैं एक साउंड को बजाता हूँ. साउंड है डांस फंकी. यानी कि डांस करते करते आप गेम जब खेलोगे ना दोस्तों, तो आपको भी लगेगा कि वाओ, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, ओके, फॉरएवर एंड स्टार्ट साउंड डांस फंकी. ग्रेट, ओके, पावर ऑफ, चुप हो जाओ भाई. ओके, गेम स्टार्ट करके देखें. ये साउंड मेरे को क्यों लग रहा है कि थोड़ा बेकार हो गया, एक बार इसको चेक करें, साउंड क्या दिक्कत है. ओके, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड फॉरएवर स्टार्ट साउंड, तो क्या दिक्कत है साउंड में भाई? अगर मैं स्टार्ट साउंड की जगह प्ले साउंड करूं, लेकिन ज्यादा चलेगा नहीं. ओके, एक काम करते हैं, फॉरएवर प्ले साउंड डांस फंकी. वाओ, अच्छा, आपने देखा कि बलून थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था ना स्टार्टिंग में. क्यों कर रहा था, मुझे याद आ गया. देखा, आप तो बताओगे नहीं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना दोस्तों. तो हमने किया था, वेट 2 सेकेंड एंड देन शो. ओके, और यहाँ हमने इसको सीधा शो कर दिया, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है. ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उसको कलेक्ट कर नहीं सकते हो जब तक वो ऑन ना हो जाए. यानी कि स्टार्टिंग के 2 सेकेंड्स तक आप उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकते हो. ओके, टच करोगे गेम ओवर हो जाएगा. यानी कि अब क्या करना है, टचिंग बिल्डिंग्स. ये जो मन होता है ना दोस्तों, ये मन मानता कहाँ है? इसको तो चाहिए कि हर जगह पे कुछ ना कुछ फन हो.
अरे तो मैंने ये क्यों किया आपको शायद पता चल ही गया होगा। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरी गेम ओवर हो, यानी कि मैं गेम को जैसे ही हार जाऊँ, ओहो कितना बुरा लगता है ना ऐसे कहने में, तो जैसे ही मैं गेम को हारूँ तो यहाँ पर एक साउंड पैदा हो, क्योंकि अगर हमारा गेम स्टार्ट होने में साउंड है, हमारे बलून कलेक्ट करने में साउंड है, तो क्यों ना हमारे गेम ओवर में भी साउंड हो। एक बार चेक करें। वाह, स्टार्टिंग में इतना बड़ा बिल्डिंग, ग्रेट। 10, ये हल्का सा साउंड, क्या इनफ है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हमारा गेम तैयार हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही गेम्स को बनाते रहिए और मजे लेते रहिए, और जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। कोडिंग मैंने आपको काफ़ी जूम करके बहुत अच्छे तरीके से दिखा दी है, और आप भी गेम बनाइए और मजे लीजिए तब, और जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।